एक गिलास दूध नहीं पी सकता तू। कौन सा दूध है ऐसा जो मार्केट में मिलेगा अभी? मार्केट में देखते हैं गाइस क्या होता है। वैसे रात को यार दूध पीने जा रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा पता है। ये दूध की बात कर रहे थे क्या है ना? आगे आते हुए काफी लोग सोए भी हुए हैं यहाँ पे, यहाँ इस साइड से मैं हाँ आया हूँ यहाँ पे। मैं पहले यार मैं 2 साल पहले आया था यहाँ पे, सच्ची बताऊँ 2 साल पहले आया था तब। काफी अच्छी बनी हुई है जगह, यहाँ पे गंद मचा हुआ रहता था पहले। पहले यहाँ पे बहुत गंद मचा रहता था, बहुत गंदा था, भीड़ थी, ट्रैफिक आता था, भीड़ बड़ा कम मचा रहता था। अब तो साफ सुथरा हो गया सब कुछ। हर साल यहाँ पे नया नया कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वो देखो फोकस, कैमरा भी जिद्दी है पूरा। ये है गोल्डन टेंपल की एंट्रेंस साइड व्यू के साथ। मार्केट में अभी भी पूरी एकदम रौनक है। टूरिस्ट तो रहते ही हैं। हम भी तो टूरिस्ट ही हैं। सारे हमारे जैसे लोग ही हैं। शाम को बड़ी रौनक होती है। शाम को दुकानें अभी भी कुछ कुछ खुली ही हैं। इनका मन नहीं कर रहा जाने का। हमारा भी काम मन है रूम में जाने का। और एक मिनट, चैलेंज तो रह गया, चलो चैलेंज पे चलते हैं। एक ही दुकान वाला कुल्फी भी लेके बैठा है और गरम गरम कड़ा हुआ दूध भी लेके बैठा है। बिक रहे हैं लाइन लगा। जलियांवाला बाग बंद है। देखो गाइस जैसा कि मैंने बताया था, जलियांवाला बाग इस टाइम पर बंद है। और वो देखो जगह ही बंद कर रखी है। और वो रहा गोल्डन टेम्पल का मेन एंट्रेंस। यहाँ मैं कुछ साल पहले आया था, मेरे ख्याल से मेरे पास फोटो ही बड़ी होगी, होगी तो मैं व्लॉग में लगा दूंगा। रात की भी रौनक कितनी है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे सच्ची बताऊँ लाइटिंग इतनी ज्यादा है ना, अच्छी बन रही है। मैं तो फोटो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, फोटो ही नहीं आ रही। गाइस यहाँ पे रात में भी इतने लोग घूम रहे हैं ना, मेरे को लग ही नहीं रहा कि अभी रात के कुछ 11:30-12 बज रहे हैं। एकदम जाके पानी पीएंगे। अगले बड़ी मशहूर हुई बाबा जी। तो ठीक है तो गाइस जो भैया ने मुझे चैलेंज दिया था वो चैलेंज मैंने कंप्लीट किया, वो भी अपने स्टाइल में। देखो कैसा लगा फिर तुझे अमृतसर का दूध? खत्म नहीं कर पाऊंगा तो तब बड़ा ग्लास मिलता था ना, अभी ये छोटा है। तो क्या हुआ, खत्म करने के बाद नहीं थी। कैसा लगा अमृतसर का दूध? केसर के स्वाद। गाइस आप ये सारे देख रहे हो, इतनी सारी बॉटल्स, ये देखो ऐसे ये सब डिजाइन वगैरह बना रखा है। बॉटल्स को रिसाइकल भी हो गई, बॉटल्स का इतनी सारी बॉटल रिसाइकल कर रखी है। कितने अच्छे से पौधे लगा रखे हैं इसके अंदर। मैंने कहीं बॉटल्स का यूज किया हुआ, रिसाइकल ही हो गया एक टाइप से। रीयूज हो गया, हर जगह देख लो। पूरे टेंपल के बॉर्डर पे हर जगह ये बॉटल्स यूज की हुई हैं। आप अभी व्लॉग में देखोगे लगभग लगभग हर जगह, मतलब
बॉटल्स यूज़ की हुई हैं यहाँ पे। बोतल के अंदर मैंने प्लांट, ऊपर से मैंने कहीं कहीं तो ग्रास भी देखी है, ऊपर से ये जो पोट वगैरह थे पहले वो भी अब लगे हैं। पहले इतनी ग्रीनरी नहीं थी। आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे ना, चाहे हमने ये कह तो दिया कि यहाँ पे सारी बोतल रिसाइकिल कर रखी हैं, रीयूज कर रखी हैं, पर सारी की सारी बोतल सिर्फ ग्रीन है, सिर्फ ग्रीन। यहाँ पे सिर्फ लोग ड्यू पीते हैं, सिर्फ ड्यू नहीं, ये मजाक हो रहा है यार, सिर्फ ड्यू यार। देखो हर जगह ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सिर्फ ग्रीन बोतल के अलावा आपको कोई बोतल नहीं दिखेगी यार। पेप्सी, कोका कोला, ट्रांसपेरेंट बोतल कहाँ गई? गायब भाई, सब गायब। मेरे को तो लग रहा है इन्होंने स्पेशल ग्रीन बोतलें खरीदी हैं, मुझे लग नहीं रहा ये रीयूज हुआ है। मेरे को लग रहा है खरीदा हुआ माल है बोतलों का, या तो इन्होंने छाटी है, सिर्फ ग्रीन बोतल चाहिए हमें, है ना। चलो देखते हैं, अच्छा है जो भी है। सो गाइस 12 बज चुके हैं, अगला दिन हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।